तो दोस्तों फाइनली मेरा जो अनुमान है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एपीएस सर्विस के रिगार्डिंग वो सही निकला, और वो हमने अनुमान लगाया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एपीएस सर्विस का जो प्रॉब्लम है वो फाइनली 8 अगस्त के मॉर्निंग से मतलब सॉल्यूशन इसका देखने को मिलेगा। और फाइनली वही हुआ भी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एपीएस सर्विस है वो सुचारू रूप से काम कर रहा है 8 अगस्त के मॉर्निंग से ही यानी मंडे से ही। तो हमने अनुमान जो लगाया था वो अनुमान मेरा सही निकला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन डिजिटल बैंक। तो चलिए हम आपको इसका लाइव प्रमाण दिखाते हैं कि फाइनली जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सक्सेस का चांस जो ट्रांजेक्शन का वो कितना परसेंट शो कर रहा है मेरे नोवो पे एप्लीकेशन में। तो चलिए हम इसके लिए चलते हैं अपने नोवो पे मोबाइल एपीएस एप्लीकेशन के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं नोवो पे एप्लीकेशन में, और यहाँ पे हम अब आपको दिखलाने वाले हैं कि नोवो पे एपीएस में जितने भी बैंक वर्क कर रहे हैं यानी कि बैंक सर्विस दे रहे हैं उसका जो परसेंटेज है ट्रांजेक्शन्स का कितना चांस है वो यहाँ पे दिखलाने वाले हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्विस जो है एपीएस का वो लास्ट एक सप्ताह से काम नहीं कर रहा था और उसमें जो है परसेंटेज जो दिखलाई दे रहा था सक्सेस का वो जीरो दिखलाई दे रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एपीएस सर्विस है वो आज यानी मंडे से 7 अगस्त से जो है सुचारू रूप से एक्टिव हो चुका है। तो अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि कितना परसेंट जो है रह रहा है सक्सेस होने का चांस। तो चलिए इसके लिए हम क्लिक करेंगे अपने डैशबोर्ड वाले सेक्शंस पे, और यहाँ हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखलाई देगा, इसको स्किप करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक स्टेटस लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर दो सेक्शंस दिखलाई दे रहे हैं, एक एपीएस का और एक डीएमटी का। तो हम एपीएस वाले जैसे ही सेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें जितने भी बैंक नोवो पे के अंदर एपीएस ट्रांजेक्शन्स मतलब करते हैं फैसिलिटी देते हैं उनका जो है नाम यहाँ पे शो करता है, और साथ ही साथ आपको परसेंटेज जो दिखलाया जाता है सक्सेस होने का कि इस बैंक का जो है ट्रांजेक्शन सक्सेस होने का कितना परसेंट चांस है लास्ट में आप यहाँ पे राइट साइड में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम देखिए हमें जो ड्यूरेशंस मिलता है 3 ड्यूरेशंस मिलता है। प्रीवियस 1 घंटा तक का आप किसी भी बैंक का एपीएस ट्रांजेक्शन का स्टेटस जान सकते हैं कि किस बैंक का ट्रांजेक्शन स्टेटस मतलब कैसा था प्रीवियस 1 घंटा में। तो चलिए हम बेसिकली प्रीवियस 1 घंटा पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ट्रांजेक्शन मतलब सक्सेस चांस देखना है। तो देखिए हमें प्रीवियस 1 घंटा का स्टेट बैंक का जो है ट्रांजेक्शन चांस दिखलाई दे रहा है 69%। ठीक है, अब हम मान लीजिए देखना चाहते हैं कि प्रीवियस मतलब 15 मिनट का क्या चांस है उसका। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रीवियस 15 मिनट पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक का चांस दिखलाई दे रहा है 73%। यानी कि अब स्टेट बैंक जो है वो अपना सर्विस जो है अवेलेबल करा रहा है, पहले से बेटर करा रहा है। लेकिन यहाँ पे अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी सर्विस जो है वो मतलब अनअवेलेबल नहीं है। एपीएस के माध्यम से जितने भी आपको सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सर्विसेज मिल रही हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उस पर ऑल पे प्रेस करें, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा और आप मेरे अपलोड किए हुए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए अन्य वीडियो में नए अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।